किसी भी सॉफ्टवेयर को समझने के लिए पहले उसका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या फिर आ, उसका यूजर इंटरफेस समझना जरूरी है ताकि आपको पता हो कि कौन सा फंक्शन किस जगह से आप मतलब उसको यूज कर सकते हैं तो मैटलैब का ये यूजर इंटरफेस आपके सामने है जब भी आप मैटलैब ओपन करेंगे तो इस तरह का यूजर इंटरफेस आपके सामने आएगा इसमें आप देख रहे हैं कि ऊपर टैब्स कुछ बनी हुई है होम प्लॉट्स और एप्स इसी तरह हर टैब्स के नीचे कुछ फंक्शंस, कुछ कमांड्स जो है ना वो हैं। तो आप प्लॉट टैब पे क्लिक करेंगे तो नीचे और तरह की कमांड्स आ जाएंगी, ऐप्स में करेंगे तो कुछ और फंक्शंस आ जाएंगे तो मैटलैप टू थाउजेंड मैं यूज़ कर रहा हूँ तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि जो बॉटम में आपको ये तीन विंडोज़ नज़र आ रही हैं एक ये करंट फोल्डर के नाम से है एक वर्क स्पेस के नाम से है और एक कमांड विंडो है देखिए इस पर लिखा हुआ है करंट फोल्डर uh, ये है वर्क स्पेस और ये है कमांड विंडो ये तीन विंडोज़ uh, हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इम्पॉर्टेंस है इनकी ड्यूरिंग योर कोडिंग तो सबसे पहले हम देखते हैं कि करंट फोल्डर क्या चीज़ है करंट फोल्डर आ, आपका वो फोल्डर होगा जहाँ पर आपने रिसेंटली अपनी फाइल्स रखी हुई है मैट लैब वाली फाइल्स जो आप मैट लैब में कोड कर रहे हैं उस कोड को जहाँ पे आप सेव करते हैं वो आपका करंट फोल्डर होता है और किसी वक्त भी आप इस करंट फोल्डर को चेंज भी कर सकते हैं लाइक like, मैं अगर अब आपको दिखाऊं तो मैंने ये मैट लैब इंटरसिटी के नाम से एक न्यू फोल्डर बनाया हुआ है मैं इस पर क्लिक करता हूँ इसको कॉपी करता हूँ कॉपी करने के बाद मैं मैटलैब में जाके इस बार पे एंटर करता हूँ तो ये वाला करंट फोल्डर मेरे पास आ जाएगा तो अगर फ़र्ज़ किया कि मैं अपने करंट फोल्डर पे मैंने यहाँ पे कोई एक न्यू फोल्डर बना लिया है और उसका नाम जो है ना वो मैंने इंटल लिखा है तो मैंने इस करंट फोल्डर को अपडेट किया है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी इंटन आ गया है अगर इस इंटर सिटी फोल्डर में कोई मजीद फाइल्स भी अगर होंगी तो वो भी आ, मतलब यहाँ से एक्सपेंड हो जाएगा मिसाल के तौर पर अगर मैं इंटरसिटी में मज़ीद कुछ टेक्स्ट फाइल्स इंसर्ट कर देता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे एक्सपेंशन भी है तो सारा फोल्डर और उसके अंदर जो सब फोल्डर्स हैं वो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं तो ये था करंट फोल्डर इसकी इंपॉर्टेंस साथ, साथ हम देखेंगे कि क्या होती है दूसरा दूसरी चीज़ है जी वर्क स्पेस वर्क स्पेस आ, एक किस्म की मैट लैब की टम्प्रेरी मेमोरी है मैट लब ने अपने साथ मेमोरी रखी होती है और वो कि ये क्या ये किस लिए काम आती है आप जो भी कोड्स सॉरी जो भी वेरिएबल्स फंक्शंस उनके रिजल्ट्स जो भी होंगे वो सारे वर्क स्पेस में सेव हो रहे होंगे और बाय नेम और उसकी डेटा टाइप वगैरह वगैरह उसकी वैल्यूज सारी वर्क स्पेस में सेव होगी आप वर्क स्पेस के variables को save भी करवा सकते हैं मतलब परमानेंटली सेव भी करवा सकते हैं आप आप उस उस वेरिएबल को सेव करने के लिए आप उस पर राइट क्लिक करें और सेव एज करें और सेव हो जाएगा तो ये चीजें भी हम बाद में देखेंगे कि वर्क स्पेस में वेरिएबल्स को किस तरह यूज किया जाता है मतलब सेव भी कर सकते हैं उसके बाद फिर जो हम MATLAB MATLAB जब हम मैटल बंद कर दें मैटल जब ओपन करेंगे ओपन करने के बाद वही वेरिएबल्स हमारे पास सेव भी होंगे तो ये था वर्क स्पेस जिसमें हम वेरिएबल्स को सेव कराते हैं मोस्टली और ये जो आपको विंडो नज़र आ रही है ये है कमांड विंडो कमांड विंडो में हम अपने कोड्स को टेस्ट भी कर सकते हैं लाइंस को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं और और इसके अलावा अगर आप अपने कोड को रन करते हैं और उसका रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ एरर वार्निंग आता है तो वो भी कमांड विंडो में नजर आता है बिल्कुल वैसे ही है जैसे C++ में हमें कंसोल विंडो या आउटपुट विंडो नज़र आती है कमांड विंडो का यही रोल है मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे a इक्वल टू वन लिखता हूँ एक वेरिएबल मैंने लिखा तो वो a इक्वल टू वन यहाँ पर आ गया और आप ये देखें क्योंकि a एक वेरिएबल था उसमें वैल्यू मैंने वन स्टोर करवाई थी तो यहाँ पे a वेरिएबल नज़र आया और उसकी वैल्यू वन यहाँ पे आ गई ठीक तो इसी तरह अगर आप सी इक्वल टू अगर आप करवाते हैं तो वो सी वेरिएबल भी यहाँ पे हो सेव हो गया हो गया, और इक्वल टू ए प्लस सी करते हैं तो बी की वैल्यू यहाँ पे फोर मेंशन हुई है और यहाँ पे भी बी सेव हो गया तो ये था एक छोटा सा तरीका मिसाल के तौर पर अब मैं यानी कि वी इक्वल नहीं प्लेस करता और टू लिख देता हूं तो ये एक वेरिएबल है और इसने कहना है कि ये अब आप, आपसे कहेगा कि वी तो ये हमारे पास सेव ही नहीं था तो इट्स एन अनरिक्नाइज वेरिएबल किसी भी वेरिएबल को अगर आप यहाँ पे लिखते हैं मतलब उसको डिस्प्ले करवाने की कोशिश करते हैं तो वो पहले आपके वर्क स्पेस में सेव्ड होना चाहिए लाइक इस वर्क स्पेस में सी सेव्ड है मैं सी लिख के एंटर करता हूँ तो सी की वैल्यू मुझे यहाँ पे रिटर्न कर देगा लेकिन V2 क्योंकि अवेलेबल नहीं था इसमें तो उसने अनरिकग्नाइज फंक्शन और वेरिएबल का एरर दिया सेम केस अगर आप चाहते हैं कि वर्क स्पेस से कुछ वेरिएबल्स को आप क्लियर कर दें क्लियर क्लियर का मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि वो मेमोरी से गायब हो जाए तो आप ये फंक्शन यूज कर सकते हैं क्लियर क्लियर लिखेंगे इट्स अ कीवर्ड क्लियर के बाद उस वेरिएबल का नाम मिसाल के तौर पर मैं बी लिखता हूँ तो ये आप देख रहे हैं यहाँ से बी क्लियर हो गया तो अगर आप सारे वेरिएबल्स क्लियर करना चाहते हैं तो आप क्लियर ऑल यूज़ कर लें तो सारे वेरिएबल्स क्लियर हो जाएंगे अब आप अगर चाहते हैं कि ये जो कमांड विंडो है इसमें आपने इतनी सारे जो आ, मतलब अपनी कमांड्स टेस्ट के लिए जो है ना स्टेटमेंट्स लिखी थी वो अगर आप चाहते हैं कि वो क्लियर हो जाए तो आप यहाँ पे सी एल सी लिखें तो आपकी कमांड विंडो भी क्लियर हो जाएगी तो जो भी यहाँ पे सेशन था अगर आप उसे सेव करवाना चाहते हैं तो वो सेव डायरेक्टली आपके करंट फोल्डर में ही होगा ये सिंपल सी चीज है तो अगर हम देखें इस होम टैप पे आते हैं तो होम टैप में न्यू स्क्रिप्ट लाइव स्क्रिप्ट इसको हम बाद में देखते हैं आप न्यू स्क्रिप्ट भी बना सकते हैं स्क्रिप्ट भी बना सकते हैं लाइव स्क्रिप्ट बना सकते हैं फंक्शंस क्लासेस प्रोजेक्ट्स फिगर्स एप्स और सिमुलिक मॉडल वगैरह वगैरह ये सारे हम जो है ना नेक्स्ट वीडियोज़ में आहिस्ता आहिस्ता इसको स्टडी करेंगे अगर पहले से कुछ बना हुआ है और आप उसे ओपन करना चाहते हैं तो वो भी आप ओपन कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पे कुछ अभी रिसेंटली काम किए थे तो वो भी सारे मैंशन हैं यहाँ ठीक है फाइल्स को कंपेयर भी कर सकते हैं बाहर से अगर कोई डेटा आपने इंपोर्ट करवाना है मैट में वो भी करवा सकते हैं वर्क स्पेस को सेव भी कर सकते हैं नया वेरिएबल भी बना सकते हैं प्रीवियसली कोई वेरिएबल आपके पास पड़ा हुआ है उसको सेव उसको एडिट भी करवा सकते हैं उसको ओपन भी कर सकते हैं और वर्क स्पेस को क्लियर भी कर सकते हैं जो कि हमने देखा था कि क्लियर ऑल के जरिए हमने क्लियर किया था इसी तरह आ, कुछ और भी यहाँ पे फंक्शंस हैं आप कमांड विंडो को क्लियर कर सकते हैं अब जैसे मैं यहाँ पे b इक्ल टू वन लिखा है और c ईक्ल टू थ्री लिखा है और f ईक्ल टू फाइव लिखा है तो अब मैंने ये तीन वेरिएबल्स मतलब तीन तरह की लाइन्स यहाँ पे मेंशन मतलब लिखी हैं ये बी वाली लाइन भी लिखी हुई है सी की स्टेटमेंट भी लिखी हुई है और एफ के अंदर भी मैंने फाइव स्टोर करवाया अगर आप अपने की से आप जैसे यहाँ पे फंक्शन लिखने का ऑप्शन है अगर आप की में अप का बटन प्रेस करें तो वो इसके पास सेव है सब कुछ कि आप पहले क्या लिखते रहे है? तो इस चीज़ को हम कहते हैं कमांड हिस्ट्री कमांड हिस्ट्री तो कमांड हिस्ट्री मैटलैब अपने पास सेव रखता है तो आप किसी वक्त भी अगर आपने कोई बड़ी कमांड लिखी है और आप चाहते हैं कि दोबारा से आप ना लिखना चाहें तो आप अब प्रेस करें ना तो आपको वो प्रीवियस चीज़ें मिल जाएंगी मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आ, ये काफ़ी बड़ी कमांड थी ये मैंने नहीं लिखी हुई थी तो मैंने यहाँ पर लिख लिया ठीक है तो ये क्योंकि अब ए वेरिएबल मेरे पास नहीं है तो इसलिए ये प्लॉट नहीं कर रहा तो रेड कलर में जो भी आएगा वो आपके पास एरर होगा तो अगर आप चाहते हैं कि कमांड हिस्ट्री भी क्लियर कर दें तो यहाँ पर कमांड हिस्ट्री भी क्लिक करें कमांड विंडो पर क्लिक करेंगे तो ये कमांड विंडो भी क्लियर कर देगा और अगर कमांड हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो वो आपको कमांड हिस्ट्री भी क्लियर कर देगा अब अगर आप आपका बटन प्रेस करते हैं तो आपको नो कमांड रिकॉर्डेड नज़र आएगा इसी तरह कमांड विंडो भी क्लियर आप कर सकते हैं जो कि किस तरह था हम कोड के जरिए सी लिखे तो वो क्लियर हो जाएगा मैट लैब में एक जबरदस्त इंटीग्रेशन है सिविलिंग की जिसमें हम ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए जिन लोगों को कोड से इश्यूज हैं तो वो जस्ट बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग वो अपना जो है ना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं अब जो आपको नज़र आ रहा है ये सामने एक मैट लैब का लेआउट है जिसमें करंट फोल्डर है वर्क स्पेस है और कमांड विंडो है तो अगर आप अपना लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो ये थ्री कॉलम में भी आ सकता है यहाँ पे करंट फोल्डर दरमियान वाले कॉलम में कमांड विंडो और यहाँ पे वर्क स्पेस तो आप अपनी आ, मतलब जिस तरह आप चाहते हैं उसको सेट भी कर सकते हैं तो मैं जो यूज़ करता हूँ मेरा डिफॉल्ट है कि मैं मैट लैब का कमांड तो मैं मैट लैप को जब जब भी यूज़ करता हूँ तो आ, उसको डिफॉल्ट रख के यूज़ करता हूँ जिसमें आ, करंट फोल्डर इस जगह पे आ रहा होता है वर्क स्पेस ये होता है और दूसरा ये है कि आप आपको जो ज़्यादा ज़रूरत हो वो आप उसी तरह ही यूज़ कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप वर्क स्पेस आपके सामने हो करंट फोल्डर भी आपके सामने हो और कमांड विंडो भी हो तो और दूसरा प्रेफरेंसेस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा एक विंडो नज़र आएगी जिसमें बहुत सारी ऑप्शंस आपके सामने होंगी कि आप अगर कस्टमाइज करना चाहते हैं तो कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं मिसाल के तौर तो पर अगर आप चाहते हैं कि जो टेक्स्ट है वो वाइट हो जाए और जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो जाए आप अप्लाई करके देखें तो बैट लैब में अब आपके पास चीज़ें कुछ चेंज हो गई हैं वी गोल्ड ट्वेल्व अब ये देख रहे हैं ये जो है आ, टेक्स्ट आपके पास वाइट हो चुका है और बैकग्राउंड ब्लैक है तो अपनी पसंद से अगर आप कमांड कमार्ण, स्ट्रिंग्स कम्स वगैरह को के कलर्स अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं मैं वैसे मतलब जो डिफ़ॉल्ट है वही यूज़ करता हूँ तो उसके लिए आ, ये चीज़ आपके सामने इसी तरह ही नज़र आता है तो प्रेफरेंसेस में अगर आप जाएँ तो आपके पास और भी बहुत बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं आप हर किसी को ओपन करके देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं तो फॉन्ट्स में अगर आप जाए तो डिफ़ॉल्ट पे अपने, मैंने अपना फॉन्ट कैमरे रखा हुआ है और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ बोल्ड करने के बाद साइज ज़रा थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र भी आए तो ये देखें कि साइज़ अब चेंज हो गया तो डी इक्वल टू ट्वेल्व तो लिखा तो डी आ गया तो कमांड विंडो और कमांड विंडो में अब जो आप फॉन्ट जो आपके सामने आएगा उसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया इसी तरह ये कमांड विंडो में आप साइज़ भी चेंज कर सकते हैं प्रेफ्रेंस में और भी बहुत सारी ऑप्शन हैं तो ये आपके सामने है तो इसको यूज इसकी यूज़ेज उसी वक्त ही मैं करूँगा जब कुछ चीज़ें कोई डिफरेंट चीज़ें आपको बतानी होंगी तो अभी फ़िलहाल इसको मतलब जस्ट इसका ओवरव्यू था ये इसी तरह अगर आप एड ऑनस पर जाएँ तो मैटलैप के अंदर ये जो आपको एप्स नज़र आ रही हैं ठीक है थीके? तो ये देखें कि एप्स के टैब पे अगर मैंने क्लिक किया तो बहुत सारी एप्स जो है ना वो ओपन हुई हैं देखें आप के पास वेवलेट एनालाइजर है आपके पास ऑप्टिमाइजेशन की एप्स है जस्ट क्लिक के जरिए जो है ना आप अपना काम कर सकते हैं क्लासिफिकेशन लर्नर की ऐप है न्यूरल नेट की ऐप है जिन को कोड से इश्यूज हैं तो वो जस्ट इन ऐप्स पे क्लिक करके अपना डाटा लोड करवा के काम कर सकते हैं तो हर टूल बॉक्स की अपनी अपनी एप्स है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की भी एप्स हैं मैथ्स स्टेटसिक्स की भी एप्स हैं कंट्रोल सिस्टम्स वाली ऐप भी हैं सिग्नल प्रोसेसिंग की भी हैं वगैरह वगैरह तो ये भी एक बहुत बड़ी जो है ना दुनिया है ऐप्स की तो इसी तरह अगर आप मज़ीद ऐप्स इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये इंस्टॉल ऐप पे क्लिक करें ये डायरेक्टली आपको मैथ लैब सेंट्रल पे लेके जाएगा और वहाँ से आपको जो यूज़र्स ने ऐप्स बनाई हुई हैं वो भी दिखाएगा और जो कम्युनिटी की और मैट लैब की तरफ से ऐप्स हैं वो भी दिखाएगा तो आप जो भी उसमें से डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इसी तरह अगर आप पैकेजेस कुछ आपके पास अवेलेबल नहीं है मिसाल के तौर तो पर आपके पास स्टैटिस्टिक्स का टूल बॉक्स सॉरी स्टैटिस्टिक्स uh, का पैकेज uh, अगर अवेलेबल नहीं है उसमें कुछ फंक्शनस हैं जो कि आप अवेलेबल नहीं है तो आप पैकेज भी वहाँ से कर सकते हैं और अगर आप अपनी ऐप पर बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं अगर आपके पास ऐप आप पड़ी हुई है तो इंस्टॉल भी हो सकती है नेट uh, से डाउनलोड भी हो सकती है गेट मोर ऐप से और डिज़ाइन भी आप कर सकते हैं तो प्लॉट्स में आते हैं अगर आपने किसी आ, फ, आ, किसी भी वेरिएबल पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आप उसे प्लॉट भी कर सकते हैं तो ये प्लॉट के बहुत सारे ऑप्शन आ रही हैं मैं आपको यहाँ पर एक क्योंकि प्लॉट्स हमेशा ऐसे वेरिएबल को होता है जिसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हों तो मैं यहाँ पर वी के अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ इंसर्ट कर देता हूँ वन टू फोर सिक्स टेन एट्टी वन माइनस टेन नाइन्टी थ्री ठीक है तो ये वी के अंदर बहुत सारी वैल्यूज आ गई हैं अब अगर मैं किसी भी मतलब वी जो मैंने बनाया है यहाँ पे तो उस वी पे अगर क्लिक करूं तो ये सारी सारी ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगी मतलब पहले वो आ, एक्टिव नहीं थी अब एक्टिव हो गई हैं अब इस पर अगर आप किसी भी प्लॉट प्लॉट पे क्लिक करते हैं या प्लॉट बना के दे देगा इसको क्लोज करता हूँ कॉमेंट पे क्लिक करते हैं मतलब जिस तरह का आप ग्राफ वगैरह बनाना चाहें हिस्टोग्राम भी आपके सामने है कंपस के ग्राफ्स भी बना सकते हैं और और इसमें बहुत सारे भी हैं डब्ल्यू वी टूल पे क्लिक करते हैं वो भी आपको कुछ ना कुछ बना के दे, दे, दे देगा तो प्लॉट्स बहुत सारे मतलब आप कुछ भी बना सकते हैं वो तो जस्ट क्लिक एक क्लिक से ही तो इसमें कोड लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको तो ये ऑप्शन आपके सामने आए होंगे इसके बाद मैं सी एल सी कर देता हूँ ये बंद तो ये था आ, छोटा सा ओवरव्यू प्लॉट्स का एप्स का और होम का अगर आप इसके अलावा अगर आप कम्युनिटी पे क्लिक करना चाहते हैं कम्युनिटी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो मैथवर्कस की जो वेबसाइट है ठीक है जिस पे कम्युनिटी सारी है वो खुल जाएगी जो कि मैट लैब सेंट्रल के नाम से है ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था तो इसमें मैट लैब आंसर्स फाइल एक्सचेंज जिसमें आप कोर्स पढ़े होंगे मैं जरा आपको क्लिक करके दिखा भी देता हूँ तो फाइल एक्सचेंज जिसमें देखेंगे मोस्ट मोस्ट रिसेंट कोर्स uh, आपके सामने हैं यहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट करें और टूल बॉक्सिस भी अवेलेबल हैं कम्युनिटी की एप्स भी हैं मॉडल्स भी बने हुए हैं हार्डवेयर पैकेजेस भी हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है न, वहाँ पर पड़ी होंगी इसके अलावा अगर आप कम्युनिटी के नीचे देखें तो आप सपोर्ट भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं मैट लैब से और मैट लैब को लर्न भी कर सकते हैं क्लिक करेंगे तो ये गेटिंग स्टार्टड विध मैट लैब की तरफ लेके जाएगा आपको और वहाँ पर आपको हेल्प के जरिए सारी की सारी मैटलैप को है ना वो स्टेप बाई स्टेप मैटलैब की वेबसाइट से मैथडमर्स की वेबसाइट से आपको सिखा भी देगा तो ये सर्च डॉक्यूमेंटेशन है तो यहाँ पर आप जो भी क्लिक जो भी लिखेंगे तो मैटलैब की हेल्प जो कि बहुत ज़्यादा वास्ट है ठीक है वहाँ से आपको बताने की कोशिश करेगा आप विद एग्जाम्पल्स कि आपने जो सर्च किया है वो क्या है तो अगर मैं सर्च करना चाहता हूँ कि सम सम ये सम का फंक्शन मैटलैब में क्या करता है तो नीचे ऑप्शन आ जा जाएंगे बहुत सारे कि आप किस तरह का सम चाहते हैं मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैटलैब के डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक ये सम मेरे सामने आ जाएगा तो आप ये देखें सम को किस किस तरह इस्तेमाल कर सक कर सकते हैं वो भी आएगा और हर सेंटेक्स की हर सेंटेक्स की जो आ, जो डिस्क्रिप्शन है वो भी आपके सामने आ जाएगी मिसाल के तौर पर पहला सेंटेक्स है इसकी मैं एग्जांपल पे जाना चाहता हूँ तो ये एग्जांपल भी आपको दिखाएगा कि सम एक्चुअली सम का फंक्शन करता क्या है तो, तो ये सम के फंक्शन को अगर आप फर्ज करेंगे चेक करना चाहते हैं कि ये चीज़ क्या करती है आप हाईलाइट करके सेलेक्ट करके आप इवेलुएट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आप जब बैक पे आएंगे तो वो कमांड विंडो में एक्जीक्यूट होकर आपके सामने हो जाएगा ठीक है तो अगर आप ए अब यहाँ पर अगर आगा आप आके एस प्रेस करते हैं तो वो फिफ्टी फाइव आ जाएगा तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप हेल्प से भी ले सकते हैं बाकी ये सेंटेक्स किस तरह वर्क करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे तो अभी जैसे आ, मैं मेरे पास वेरिएबल्स कौन कौन सेव है मेरे पास बी भी सेव है और सी भी सेव है तो अगर मैं बी प्लस सी करता हूँ तो अब मैंने किसी वेरिएबल पे असाइन नहीं किया से। लेकिन ये फिर भी मैटलब अपनी तरफ से एक वेरिएबल टेम्प्रेरी वेरिएबल एन एस क्रिएट करेगा और उसमें वैल्यूज स्टोर कर देगा तो एन एस इक्वल टू फोर हो गया लेकिन ये टेम्प्रेरी वेरिएबल है अगर मैं दोबारा अगर कोई और वेरिएबल डी प्लस डी प्लस एस करता हूँ ठीक है तो वो ए एन एस अब अपडेट हो जाएगा तो वो प्रीवियस ए एन एस अब मेरे पास सेव नहीं रहा लेकिन ए एन एस जिसमें है, इसको मैं यूज कर सकता हूँ फर्दर प्रोसेसिंग के लिए तो ए एन एस प्लस सिक्सटी जो है ना वो ए एन एस प्लस सी मैंने ऐड किया तो ए एन एस की वैल्यू अब 70 होगी तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स को भी यूज कर सकते हैं तो प्लॉट्स एप्स होम टैब्स वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैट लैब के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी अच्छा अब जो चीज़ है वो है कि मैट लैब का एडिटर क्या होता है जहाँ पे आप कोडिंग करते हैं ये जो सेशनज़ हैं ये जितने भी आपको सेशन यहाँ पे हम लिखते हैं वो सेफ़ तो नहीं होता तो कमांड विंडो को हम नॉर्मली यूज़ करते हैं आउटपुट देखने के लिए या फिर आ, अपने किसी कोड को टेस्ट करने के लिए या फिर वेरिएबल की वैल्यूज़ चेक करने के लिए मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी वक्त भी चाहता हूँ कि ये वी में क्या स्टोर था वो आपके सामने आ जाएगा एस में क्या स्टोर था वो आपके सामने आ जाएगा मतलब टेस्टिंग के लिए यूज़ हो रहा है वेरिएबल्स uh, अगर आपके पास हज़ार वेरिएबल्स हैं तो सारे के सारे सेव्ड होंगे और आप उनकी वैल्यूज वैल्यूज़ भी एक्सेस कर सकते हैं अगर वेरिएबल uh, के अंदर वैल्यूज़ कम है तो वो यहाँ पर दिखा रहा होगा लेकिन अगर कम नहीं है ज़्यादा है बहुत तो वो नहीं दिखा रहा होगा अगर आप ये जैसे ए है इस पर डबल क्लिक करते हैं तो वो स्प्रेडशीट की फॉर्म में भी आपको यहाँ पे दिखा सकता है तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ यहाँ से अब यह कि लैब में फाइल कैसे बनती है मतलब कोड कहाँ लिखते हैं किस फाइल में लिखते हैं तो लैब में स्क्रिप्टिंग जिसे हम कोडिंग कहते हैं कोडिंग के लिए जो फाइल यूज होती है वो है एम फाइल एम फाइल इसकी एक्सटेंशन डॉट एम में होती है ठीक है तो आप न्यू स्क्रिप्ट पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये चीज़ जो लिखी हुई आई है ये है आपके पास एडिटर अब कमांड विंडो आपकी ये हो गई और ये करंट फोल्डर है और ये वर्क स्पेस है जब आप होम में जाके लेआउट पे डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला इस तरह की विंडोज नज़र आएंगी करंट फोल्डर भी आपके सामने है वर्क स्पेस भी आपके सामने है और कमांड विंडो भी आपके सामने है कमांड विंडो मैं क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे जाके मैंने कोड लिख दिया तो अब देखें अब कमांड विंडो से पहले मैं मैं ज़रा वर्क स्पेस भी क्लियर करना चाहता हूँ और कमांड विंडो भी क्लियर करना चाहता हूँ अब ये अनटाइटल्ड के नाम से है। आप इसे पहले सेव कर लें सेव जब करेंगे तो डायरेक्टली आपके पास फोल्डर कौन सा ओपन होगा वही फोल्डर ओपन होगा जो कि आपका करंट फोल्डर है अब मैं यहां पे जाके अपनी फाइल का नेम देता हूं माय फर्स्ट प्रोग्राम ठीक है अब देख रहे हैं ये डॉट एम फाइल है इसको सेव करेंगे सेव करेंगे तो यहाँ पे सेव होगी ठीक है तो यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ ए इक्वल टू थ्री और b इक्वल टू फाइव ठीक है अब ये मैंने सेव कर दिया कंट्रोल एस सेव या फिर यहां पर भी है न सेव का ऑप्शन आ जाता है तो अब ये देखेंगे जब हम एडिटर पे जाते हैं तो आपके पास होम प्लॉट्स और एप्स के अलावा एडिटर पब्लिश और व्यू भी आ जाता है ठीक है इनको हम भी देखेंगे अब क्योंकि मैं एडिटर में हूं तो एडिटर के ऑप्शन पे मैं जाता हूं तो यहां पे मैं सेव भी कर सकता हूं ओपन भी कर सकता हूं न्यू भी बना सकता हूं कंपेयर प्रिंट वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें आ सकती हैं तो जाके इस फाइल को अगर आप रन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये बटन प्रेस करेंगे F5 इसकी शॉर्ट की है F5 प्रेस करेंगे तो आपके दोनों वेरिएबल्स टेम्परेरी रैम यानी कि वर्क स्पेस में स्टोर हो चुकी है और अगर आप नीचे देखें तो नीचे भी मतलब उनकी आउटपुट आ चुकी है अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इनको जरा क्लियर कर दूँ दोबारा से वर्क स्पेस भी क्लियर हो गई है और कमांड विंडो भी क्लियर हो गई अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो ए इक्वल थ्री है और बी एकवल्ड फाइव है ये वर्क स्वेम में सेव हुए हैं लेकिन ये कमांड विंडो में बार बार नजर ना आए आपको पता है बस ठीक है वर्क स्वेप से आपको पता लग रहा है कि ए में थ्री स्टोर है और बी में आ, फाइव है तो आप हर स्टेटमेंट के एंड में सेमी कॉलन लगा दिया करें तो सेमी कॉर्न इज अ टर्मिनेशन ऑपरेटर ऑफ एवरी स्टेटमेंट ये क्या करता है ये एक तो आपकी आउटपुट को कमांड विंडो में आने से होल्ड भी कर देता है और दूसरा ये कि इससे साबित होता है कि जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे एंड हो गई है अब अगर आप रन करेंगे तो ये माय फर्स्ट प्रोग्राम रन हुआ है, लेकिन यहां पे आपको ए कोल्ड थ्री और बी कोल्ड फाइव नजर नहीं आया हाँ यहाँ पे, जो जहां पे, सेव होना चाहिए, वहां पे सेव तो आप लेकिन अब आप इसका मतलब की कोशिश जब, जब करेंगे, जाने करेंगे कि A में क्या है तो थ्री आ जाएगा बी में क्या पड़ा है तो फाइव आ जाएगा अगर आप कोई अपनी तरफ से वेरिएबल एफ लेना चाहते हैं कमांड विंडो में एफ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है बी और आगे सेमीकॉर्नर लगाते हैं तो यह भी एफ बी स्टोर हो गया लेकिन यहां पे नजर नहीं आया क्योंकि मैंने यहां सेमी सेमिकॉर्नर लगा लिया तो एफ की वैल्यू यहां पे नहीं आई अच्छा अब अगर आप दोबारा रन करेंगे तो इसका मतलब होता है जब आप क्लिक करेंगे तो यह रन हो गया ठीक है तो लेकिन मसला यह है कि एम फाइल के अंदर एफ सेव्ड नहीं है ठीक है एम फाइल में सिर्फ A और सिर्फ ए और बी है तो दोबारा जब आप मैट लैब ओपन करेंगे और अपने माई फर्स्ट प्रोग्राम को चलाएंगे तो उसमें एफ नहीं होगा क्योंकि मैंने एफ को कहां बनाया था कमांड विंडो में तो ये सेशन सेव नहीं हुआ तो अगर आप मैट लैब के अंदर परमानेंटली सेव करवाना चाहते हैं अपने आ, टास्क और उससे रिलेटेड वेरिएबल्स को तो उसके लिए आप एम फाइल ही यूज करें ठीक है तो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि एफ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी लिख देता हूँ ठीक है अब ये सेव्ड ठीक है थीके? और बेटर यही होता है कि आज जब भी आप एम फाइल बनाएं तो उससे पहले अपने वेरिएबल्स भी क्लियर कर लें और कमांड विंडो भी क्लियर कर लें ठीक है तो जैसे ही आपकी एम फाइल एग्जीक्यूट होगी और मैटलब का जो मैटल क्योंकि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है इसमें हर लाइन सेपरेटली और सीक्वेंशियल तरीके से एग्जीक्यूट होती है तो सबसे पहले कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी क्लियर ऑल फिर सी एल सी फिर ए इक्वल टू थ्री फिर बी में फाइव चला जाएगा और फिर एफ़ में ए मल्टीप्लाई में बी चला जाएगा इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप ये देखें यहाँ पर आपको कुछ भी नज़र नहीं आया क्यों क्योंकि सी एल सी की कमांड जब एग्जीक्यूट होगी तो वो इस कमांड विंडो को क्लियर कर देगी क्लियर ऑल पहले पहले से मौजूद जितने भी वेरिएबल्स हैं उनका लोड आपके मेमोरी से ख़त्म कर देगा ताकि नए वेरिएबल्स अब उनकी जगह पे आ जाए क्लियर हो गया तो आप रन करके अपने इस प्रोग्राम को भी बना सकते हैं तो ये था एक किस्म का एडिटर का ऑप्शन तो अगर आप चाहते हैं कि ये एडिटर ये करंट फोल्डर यह वर्क स्पेस वगैरह ये, ये बाहर आ जाए तो आप यहाँ पर क्लिक करें और आप इसको अनडॉक भी कर सकते ठीक है अनडॉक करेंगे तो अनडॉक करने से एक सेपरेट विंडो में ये चीज सामने आ जाएगी लेकिन इसका मसला ये होता है कि अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो इससे रिलेटेड रिजल्ट जो आप देखें ना आप एफ को एफ क्यू से मैंने क्योंकि सैमी कॉन हटाया है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि एफ ने कहा पे आप नजर आ रहा है कमांड विंडो में तो कमांड विंडो आपके सामने नहीं है तो आपको इसको फिर साइड पे करके फिर कमांड विंडो में देखना पड़ेगा यह आपको नजर आ रहा है कमांड विंडो में तो इसलिए फिर बेटर यही है कि आप इसको डॉक ही रखें ठीक है तो क्लिक करने के बाद डॉक एडिटर करेंगे तो डॉक वापस आ जाएगा इसी तरह आप कमांड विंडो करंट फील्ड फोल्डर और वर्कस पेस को भी अनडॉक कर सकते हैं और डॉक भी कर सकते हैं तो ये आपकी मर्जी है कि आपको जैसा बेहतर लगता है होम पे क्लिक करके अगर आप लेआउट पे क्लिक करेंगे ले तो ये आपके सामने जो है ना इसी तरीके से ये चीज़ें आ जाएगी मतलब जिस तरह का लेआउट मैंने बनाया हुआ था पहले वो आ जाएगा तो उसको फिर अपनी जो व्यू के मुताबिक आप सेट भी कर सकते तो क्लियर ऑल सी एल सी से ये क्लियर हो जाएगा अगर आप एडिटर बंद करना चाहते हैं तो एडिटर भी बंद हो जाएगा अगर आप करंट फोल्डर में दोबारा डबल क्लिक करते हैं तो एडिटर ओपन भी हो जाएगा तो ये था एक किस्म का कि आप पहले जिस जिस जगह पे आपकी एम फाइल पड़ी हुई है पहले आप उसका पाप दें यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे एम uh, फाइल मेरी कहाँ पड़ी हुई थी मैं ज़रा एम फाइल मैं चाहता हूँ वो इस पर पड़ी हुई थी मैंने क्लिक किया देखिए मैंने यहाँ पर एक अलग से फोल्डर बनाया हुआ है जहाँ पे मेरे मैट लैब के इंटरसिटी के कोर्स पड़े हुए हैं मैंने उस पर डबल क्लिक किया डबल क्लिक करने के बाद मेरी एम फाइल यहाँ पर पड़ी हुई है इसका पाथ मैंने कॉपी किया कॉपी करने के बाद यहाँ पर पे मैंने पेश कर दिया एंटर किया तो ये वाला फोल्डर मेरे सामने आ गया अब फर्स्ट करें जब आप मैट लैब ओपन करते हैं तो उस वक्त आपके सामने कुछ और होता है ठीक है आपके सामने जो करंट फोल्डर है वो कुछ और है तो आपने पहले ही तो ये मेक श्योर sure करना है कि यहाँ से पाथ कॉपी करके यहाँ पे प्लेस करना है आप इस तरह भी जा सकते हैं और इस तरह भी जा सकते हैं वो पाथ कहाँ पे है डी में सी में एफ में वगैरह वगैरह आप वहाँ से भी जा सकते हैं जैसे मेरा पार्ट जी में था तो जी में जा के आ, इंटेल सिटी मैटला पर डबल क्लिक किया और यहाँ पर माई फर्स्ट प्रोग्राम पर डबल किया डबल क्लिक किया तो ये ओपन हो गया तो इस तरीके से आप ओपन भी कर सकते हैं दूसरा ओपन करने का तरीका यह है कि आप उसी पाथ पे जाएं और माई फर्स्ट प्रोग्राम को ड्रैग करके यहाँ पे आप ड्रॉप कर दें ठीक है तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो के आपके सामने आ जाएगा देखें उसकी एग्जीक्यूशन का मतलब यह था कि सारे के सारे वेरिएबल्स आपके सामने हैं। तो ये भी एक तरीका है इसको डील करने का लेकिन फिर अगर आपने ओपन करना है तो उसको डबल क्लिक कर लें अच्छा अगर आप माई फर्स्ट प्रोग्राम पे राइट क्लिक करें राइट क्लिक करने के बाद अगर आप इसमें देखें तो आपको अब अगर पता नहीं है कि ये कहाँ पे है ये फोल्डर कहाँ पे है तो आपको शो इन एक्सप्लोर करके भी आपके सामने ये आ जाएगा तो राइट क्लिक करने के बाद ये ऑप्शंस हैं आपके सामने इनको भी मतलब देख सकते हैं हम अन अनडॉक क्लोज ऑल वगैरह वगैरह ठीक है तो ये चीज़ें हम वक्त के साथ साथ इनको देखेंगे अब यहाँ से देखें कि अगर फर्ज करें मैंने यहाँ पे पाथ कोई और ले लिया मैं अपनी एफ़ ड्राइव में चला गया हूँ जबकि ये जो माई फर्स्ट प्रोग्राम है ये कहाँ पड़ा हुआ है इस एडिटर पे अगर आप देखें जी इंटेल सिटी मैट लाइम माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट एम मतलब ये जी में पड़ा हुआ है और यहाँ पे मैंने एफ़ लगाया हुआ तो अगर मैं एडिटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रन के बटन प्रेस करता हूँ तो ये आपसे पूछेगा कि ये जो ये जो फाइल है ये आपके करंट फोल्डर में नहीं है ठीक है तो आपसे कहेगा कि क्या मैं चेंज फोल्डर कर दूं मतलब इस फोल्डर को चेंज करके इसी फाइल वाला जो फोल्डर था वहाँ पे ले जाएं या फिर इस पाथ को भी ऐड कर दें उसके साथ ही ना तो ये ऑप्शन भी आपके सामने है तो चेंज फोल्डर जैसी करेंगे तो फोल्डर डायरेक्टली चेंज हो जाएगा और ये आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा तो मज़े की चीज़ ये है कि अगर आप सी एल सी प्रेस करें और क्लियर ऑल मैं करता हूँ अगर आप इसके बाद ये चाहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ ये दो लाइंस ही एग्जीक्यूट हों तो आप इस पर सेलेक्ट करने के बाद मतलब इसको हाईलाइट करने के बाद आप राइट right क्लिक करके करकेलुएट सेलेक्शन करेंगे या एफ नाइन प्रेस करेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ यही इवेलुएट हो जाएंगे और ये दो चीज़ें दो फोल्डर सॉरी दो वेरिएबल्स जो है ना वो वर्क स्पेस में आ जाएंगे देखिए अब आपने पूरा पूरा कोर्ट को एग्जीक्यूट नहीं किया सिर्फ़ और सिर्फ आ, दो लाइंस को आपने एग्जीक्यूट किया तो देखें कि डी करना भी कितना आसान हो गया है और किसी भी वेरिएबल को किसी जगह पर अगर आपने चेक करना है कि उसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं तो वो भी आसान हो गया इस तरह तो अगर आप चाहते हैं कि आ, बी को कमेंट कर दें तो कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो ये कॉमेंट हो जाएगा ठीक है या फिर या फिर अगर आप अगर परसेंटेज लिखते हैं किसी भी आ, कौम, कौम, किसी भी स्टेटमेंट से पहले तो वो भी है ना मतलब उसको कमेंट कर देती है अगर आपने कमेंट से हटाना है तो आप सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी प्रेस करें तो वो अनकमेंट भी हो जाएगा बाकी ये है कि कमेंट और कमेंट नया मतलब हटाने का तरीका यहाँ भी है और इसके अलावा ये भी है आप राइट क्लिक करने के बाद कमेंट भी कर सकते हैं तो ये था थोड़ा सा आ, इं, थोड़ा सा इंट्रो टाइप का आ, सेशन ये बन गया जिसमें हमने यूज़र इंटरफेस को और हल्का फुल्का कोड को एग्जीक्यूट करने का तरीका देख लिया तो नेक्स्ट टाइम हम सिर्फ और सिर्फ जो एम फाइल है इसी पे ही काम करेंगे इसी के अंदर हम कोड बनाया करेंगे और देखते हैं कि मैटलेप के अंदर कोडिंग की कैसे जाती है ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन ही था तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा थैंक यू